और होनहार चित्रकार, फाउंडर, आर्टिस्ट जो अब जुड़ चुके हैं और इस पेंटिंग को बनाने में उनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल हाथ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, जो सुबह जैसा हमने देखा साइट पे आए, साइट पे आके देखा कि इतनी गंदगी है, मास्क के टुकड़े जिसके कारण बदबू लगातार यहाँ पर बनी हुई है, और हमारे साथी युवा कलाकार जो हैं सुबह से एक चैलेंज की तरह इस काम को कर रहे हैं और बिना हिचकिचाए, बिना बदबू को फील किए हुए अपना ही लगातार मेहनत से इस दीवार को खूबसूरत बनाया इन्होंने। और आप देख सकते हैं कि बगल में इतना कूड़ा पड़ा है कि लोग अगर कूड़ेदान में डालें तो ये बदबू हो सकता है, उतनी बदबू ना आए। तो यही मैसेज है और सुंदर मोल को बनाने के लिए युवा कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सभी जो भी आर्टिस्ट अब तक हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का हम बहुत बहुत थैंक देना चाहेंगे अपनी ओर से भी और दिल्ली की जनता की ओर से भी। काफ़ी दम और आज भी हम दिल्ली की सड़कों पर अंधेरिया मोड़ छतरपुर मेहरौली में हैं, जहां पर आप पीछे देख रहे हो कितना बड़ा कूड़ेदान है और यहां पर काफ़ी स्मेल भी आ रही है और ये साइड काफ़ी जैसा कि आपने देखा कि साइड काफ़ी बदबूदार है, काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि काम करें ना करें, लेकिन हमने सोचा कि जब हम दिल्ली को स्वच्छ बनाने के अभियान में निकले तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस साइड पर हम कैसे काम करेंगे। और हमारे ये जो आर्टिस्ट हैं ये काफ़ी सोचने में लगे हुए हैं कि क्या होगा यहाँ पर, और स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं ताकि स्मेल कम आए। जी हम सीढ़ी की तलाश में आए हैं एक जगह पर जहाँ पर काफ़ी सारी सीढ़ियाँ देखते हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ किराए पे मिलती है नहीं। ये हमारे साथ एक भैया जिन्होंने सीढ़ी हमने किराए पे ली है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये एक अच्छे अभियान में हमारा साथ दे रहे हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन में। आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया दिल्ली स्वच्छ रहे, भारत स्वच्छ रहे, अच्छी बात है जी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ निशांत है, हमारे साथ तनवीर है, हमारे साथ संजना है, त्याग है, हमारे साथ हरि है, हमारे साथ पंकज है, त्याग है, और सब यहाँ तैनात है इस दीवार पर जहाँ काम स्टार्ट हो चुका है। कोशिश करेंगे कि इस जगह दोबारा कोई आके कूड़ा ज़्यादा ना फैलाए और दूर से अच्छा दिखे सबको।
कुछ योगदान दे पा रही हूँ दिल्ली को थोड़ा और बेहतर बनाने में, दिल्ली के कूड़ेदानों को और अच्छा लोगों का नज़रिया बदलने में मैं हेल्प कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ। मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि कूड़ेदान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गंदगी और ये सब चीज़ें, हम लोग बदबू ही नहीं, हम लोगों का लोगों को देख के ये ना लगे कि सिर्फ कूड़ेदान में गंदगी करते हैं, यहाँ पे हम फेंक करके लोगों का नज़रिया बदल रहे हैं। तो हमने बात की एक आर्टिस्ट से जो आज जिन्होंने आज ही हमें ज्वाइन किया है इस अभियान में, और उनका मानना है कि जैसे गंदगी को कैसे साफ सुथरा बनाया जाए, कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाए, और हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, उस नज़रिए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर कूड़ा कूड़ेदान में ही रहेगा तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा। इसी मैसेज के साथ ये पेंटिंग बनती रहेगी, ऐसे काम चलता रहेगा। और मेरे साथ अभी तक की जितनी भी पेंटिंग बनी है उनमें सब में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। अभी आज हम गए थे एक साइट पर काम करने के लिए, तो ग्रीन पार्क पर हमारा साइट, तो वहाँ पर जाकर हमने देखा जो बॉल है बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की था वहाँ पर वॉल पर काम करना, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि बॉल है ना बिल्कुल क्रैक हो रहा है बीच में, तो किसी भी वक्त घूम सकता है। अगर हम काम करते भी हैं तो वो रिस्क है, क्योंकि रात को कई बैकर्स होते हैं जो रोड के साइड में सोते हैं, उनके लिए भी रिस्की है वो। तो उस साइड के बाद हम इस साइड पे आए थे काम करने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदगी है। जो सुबह हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो दुकानदार जो नॉन वेज की मतलब जिनके हम दूध की दुकान है वो सारे बचा बुचा माल यहाँ फेंक जाते हैं। सुबह हम आए थे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ही स्मेल थी हमें, हम एक बार पहले भी आए थे साइड में बट उस वक्त काम नहीं हो पाया। आ गए हमने इन कूड़े वाले बंदों को बोला कि सफाई करें, उन्होंने यहाँ साफ़ सफाई की है, और इसके बाद हमने काम स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि बस हमारा काम चल रहा है अभी, और पीछे से कुछ नमूने हंस रहे हैं। हेलो भाई। तो आप देख रहे हैं कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ में काम को लेकर। ऐसा नहीं है कि हम कूड़ेदान की बॉल को बना रहे हैं और उसकी स्मेल हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया है यहाँ पर। तो जो एफर्ट हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो दिख रहा है दीवारों पर, और हम लोगों से यही उम्मीद करेंगे जो यहाँ के लोग हैं वो इस मैसेज को समझे और अपने नेचर को साफ सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कदम उठाए। ये एक हमारी छोटी सी पहल है आर्ट काफिज़न की, जो लोगों तक पहुँचे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें और अपने लोगों को दिखाएं कि कैसे एक आर्टिस्ट ग्रुप सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कुछ ना कुछ करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो सभी आर्टिस्ट को प्लीज़ अप्रिशिएट करें। यहाँ पे बहुत सारी गायें आ चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पर कूड़ेदान के बाद हम लोगों ने पत्ते बना दिए हैं, तो गाय को लग रहा है कि यहाँ पे असली के पत्ते हैं, और इन्हीं पत्तों को देखकर यहाँ की जितनी भी आस पड़ोस की गाय जो कूड़ा खाती है वो आज हमारे आस पास में आ चुकी है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर गाय है और उनको लगता है कि यहाँ पर असली के पत्ते हैं। अचानक से कूड़े में कहाँ से हरा हरा निकले लगाए ने, और हरे पत्तों को खाने के चक्कर में यहाँ पर डेरा लगा रखा है इन्होंने। और देख सकते हो कि आप कितनी संख्या में यहाँ पर कूड़ेदान में जो भोजन की तलाश में खाने की तलाश में घूम रही है यहाँ पर।
वाला है। जैसा कि आपने पहले दीवार देखी थी कितनी ख़राब थी, अब बिल्कुल ही उसका रूप चेंज हो चुका है और एक तरीके से मॉडर्न सफाई हो चुकी है दीवार। आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक खाली दीवार पर कुछ पक्षी आ गए हैं और इस जगह को हरा भरा देखने को काफ़ी खुश है। अगर रियल में ऐसा होता है यहाँ पर काफ़ी हरियाली होती और कूड़ा कूड़ेदान में होता, कूड़ा सड़कों पर ना होता, तो लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता और इसमें हमारी सरकार की भी काफ़ी भूमिका है। अगर वो इस ओर ध्यान दे तो ये कंडीशन ठीक हो सकती है। हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं निशांत, संजना, पंकज, ये बड़े ही खुश हैं ये सब कुछ देख के और इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस काम में, दिल्ली को सुंदर बनाने में। तो मैं एक बार इनसे, इनके मुंह से जानना चाहूँगा कि ये क्या महसूस करते हैं। हेलो गाइस, हमें बहुत मज़ा आया ये काम करके। हम लोग ये 10वीं जगह है शायद दिल्ली में जहाँ पर हम वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, कूड़ेदानों की जो दीवारें हैं उन्हें खूबसूरत बना रहे हैं अपनी पेंटिंग के द्वारा, और ये मैसेज दे रहे हैं कि लोग कूड़ेदान के दीवार के पास कूड़ा ना फेंकें, कूड़ेदान के अंदर फेंकें। और बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आसपास स्वच्छ रखें, साफ रहें। चलिए अभी एक हो रहा है हमारे साथ संजना, तो इनके चेहरे की खुशी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितनी आप अधूरी थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। काम से लोगों की सोच बदल रहे हैं यहाँ पे कि लोग कूड़ेदान को कूड़ेदान में डालें ना कि इसके आसपास, और उसके आसपास हम साफ रख सकते हैं कूड़ेदान को। बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं। देखा आपने मेरे पीछे कितना ट्रैफिक है, ऊपर मेट्रो है, पीछे वो है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आर्टिस्ट जो बचपन में ही राष्ट्रपति से अवार्ड ले चुके हैं और बालश्री विजेता हैं। महज 16 साल की उम्र में इनको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था ड्राइंग में और आर्ट में ही, और आज ये हमारे साथ हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने ये जो पेंटिंग बनाई है इसके पीछे क्या मैसेज है। हेलो गाइस, स्वागत है आर्ट का फिल्म के साथ। हम मुझे करते बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों की सोच बदलने के लिए कि कूड़े को उसकी सही जगह फेंका जाए, और हम अपनी पेंटिंग के थ्रू लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चला जा सकता है। सोसाइटी में लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं पर वो भूल करते हैं थूकना और इस तरह की हरकतें करना, प्लास्टिक फेंकना रोडों पर हम पेंटिंग के थ्रू ये सब चेंज करना चाहते हैं। तो देखा, आपने देखा कि हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं वो भी चाहते हैं दिल्ली सुंदर और साफ सुथरी बने, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते उन जगह को भी सुंदर बनाया जाए। और इसी ट्रैफिक की आवाज़ में हम इस काम को यहीं छोड़ के जाएंगे और अभी थोड़ा सा काम और बाकी रहता है यहाँ पर, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि फाइनल टच चल रहा है अभी, और बड़ी ही मुश्किलों में हमने इस पेंटिंग को पूरा किया है। हमारे साथ हमारे एक और आर्टिस्ट कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे जिनका नाम हरिकृष्ण होगा। हमारे साथ अवार्ड गोज टू मिस संजना, मिस्टर पंकज एंड मिस्टर निशान। इस पेंटिंग के साथ में आप देख रहे हो कि दीवार पर एक डस्ट पैन टंगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत जिसका सपना सारा हिंदुस्तान देखता है और पूरा करने की कोशिश सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं और अपने आसपास कुछ ही लोग हैं जो साफ और सुथरा रखते हैं। हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग अपनी गली, सड़कों और घरों को
जैसे साफ रखते हैं वैसे ही अपने सिटी और शहर, अपना गांव, अपना देश इसे सुंदर बनाने की कोशिश करें। और हमारा ये काम पूरा हो चुका है और इसको हम यही छोड़े जाते हैं। धूल धुआं और बढ़ता शोर आर्ट काविज्म की टीम ने किया ये काम पूरा, और इसी काम को पूरा करके सारे आर्टिस्ट बड़ा ही खुश हैं। ये दीवार जहाँ पर काफ़ी बदबू हो रही थी अब जाके काफ़ी खुशबूदार हो गई, आप ऐसा कह सकते हैं। और ये दीवार के आसपास काफ़ी कूड़ा है यहाँ पर और काफ़ी ट्रैफिक है, लेकिन जब ये काम पूरा हुआ तब से यहाँ के सारे लोग काफ़ी खुश हैं कि इस दीवार को देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो वही वाली पहले वाली जगह है जहाँ पर कूड़ा फेंका हुआ था। और ये मैरोली इस इलाके की सबसे बढ़िया दीवार कर दी है, तो हमारे सारे आर्टिस्ट पैकअप करने में लगे हुए हैं जैसा आप देख पा रहे हैं। और दिल्ली की सड़कों पर फिर हम एक काम यहीं छोड़े जाते हैं और इसी तरह हम आपसे अगली किसी और साइड पर मिलेंगे जहाँ पर हमारे आर्टिस्ट भी होंगे और दिल्ली की जनता भी होगी। और पीछे आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया काम हो गया है इस दीवार पर, कुछ पक्षी हैं जो उड़कर जा रहे हैं और एक मैसेज भी बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पर। आप देख पाएंगे कि जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि स्वच्छ भारत का मैसेज